थोड़ा हैंडल यहाँ से वहाँ तक का प्रॉपर एक हैंडल ही बराबर इसमें से होगा पहले तो एक जैसे आप सब लोग अच्छे और अच्छे बने हैं ना, तो गाइस जैसे आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं कहाँ पर आया हूँ। जी हाँ, मैं बैट मैन्युफैक्चरिंग में आया हूँ, जहाँ पे आप लोगों को जीरो टू लेके एंड तक में आपको कैसे इतने अच्छे बैट बनते हैं वो आप लोगों को नजर आने वाला है वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को मजा आए। और बाकी आप लोग मेरा हाल चाल तो पूछते नहीं, बस मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पूछ लिया करो भाई, मैं भी जवाब दूंगा आप लोगों का, रिप्लाई दूंगा मैं। बाकी इस वीडियो में एक चीज़ अच्छी और है कि आप लोगों को कैसे परचेज करना है रिटेल में। जैसे क्या होता है ना, बहुत बार होता है कि बहुत सारा पुराने स्टॉक आपको मिल जाते हैं बैट में, यहाँ पे पूरा फ्रेश मिल रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे जैसे बहुत लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना होता है, पूरा एक ही बार में स्टॉक खरीदना है उनको होलसेल प्राइस में, तो वो कितने परचेज कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में पता चल जाएगा एंड में, ठीक है। बाकी देखो पहले बैट कैसे बन रहा है जीरो टू स्टार्ट में, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एंड में। तो गाइस सबसे पहला जो स्टेप होता है ये क्लैप या फिर उसको बागर बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ही हमारा पहले बैट बनेगा। तो भैया मैंने इसमें मारी है रद्दा, जो कि आप लोग देखते हो ना ग्रेज अच्छे से हाईलाइट होता है, तो ये उसमें से होगा पहले से, ठीक है। तो ये भी मेरा स्टार्ट तो गाइस अब सेकंड स्टेप ये है कि बैट पे होगी मार्किंग। देखो गाइस अभी आपको डायरेक्ट क्लेफ्ट दिख रहा है, ठीक है, इस पे ये लोग मार्क कर रहे हैं कि यहाँ पर इस साइड पे हैंडल होगा, इतने ही एरिया में हैंडल आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भेजा जाएगा कटिंग के लिए। अब कटिंग में यहाँ पे जाकर इसका एक जो हैंडल जहाँ पे लगता है उतना हिस्सा इसका निकाल लिया जाएगा और उसके बाद वहाँ पे लगा दिया जाएगा हैंडल। बट हैंडल लगने से पहले यहाँ पर होगी बैट की साइजिंग। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी साइज लिया जा रहा है, तो इसको थोड़ा जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि घिसा जाएगा, ताकि जो BCCI का क्राइटेरिया है उसमें ये खड़ा उतर पाए। तो अब जोड़ा जाएगा बैट को हैंडल के साथ। तो पहले क्या करेंगे, इसमें हैंडल में पूरा फेविकॉल लगा देंगे और जितना हिस्सा बैट का काटा गया था हैंडल के साइड का, तो उसमें इसको डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसको कम से कम 1.5 दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा, वो भी ऐसे नहीं, पूरा टाइट करके। इनका एक शेप होता है लोहे वाला रोड का, उसी में इसको डालते हैं और टाइटली एकदम बंद करके इसको कम से कम नहीं तो 1.5 दिन के लिए रख देते हैं। तो अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं है, अभी देख रहे हो कैसा है ये बैट, पूरा एकदम फिनिशिंग नहीं है अभी प्रॉपर। तो अब इसके बाद ये क्या होगा, इसके बाद बनाना चालू करेंगे। तो अभी ये जो पूरा एकदम प्रोफाइल का सेट हो चुका है, तो अब ये जाएगा डायरेक्ट प्रेसिंग के लिए। तो इसमें हम लोग लगाएंगे पहले पानी, और पानी इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब प्रेसिंग के टाइम पर लकड़ी टूट फूट सॉफ्ट होती है, तो थोड़ा टूट फूट ना जाए इधर उधर के लिए, तो उससे पहले पानी लगाएंगे। ये जो है अभी इस पर कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है लकड़ी, इसमें ना तो थ्रो है ना स्ट्रोक है, कुछ नहीं है अभी। अभी जब इस पर हम प्रेसिंग करेंगे तो ये पूरा ऐसा बैंड हो जाएगा कर्व के साथ, जैसे आप लोग देखते हो ना बैट का शेप, ऐसे कर्व टाइप का। अभी देखो सीधा होगा एकदम, स्ट्रेट है ये, और प्रेसिंग के बाद कर्व आ जाएगा, कर्व सा आ जाएगा। कितनी देर तक प्रेसिंग, मतलब कुछ होता हो ना कितने टाइम तक या कुछ ऐसा? 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड 6 राउंड, जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतना बैट अच्छा होगा? नहीं ऐसा भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ लकड़ी के हिसाब से प्रेस होता है, लकड़ी के हिसाब से प्रेस होता है। तो ये तो इंग्लिश लोग लेफ्ट है, तो इसको कितना जाएगा? 3 से 4 राउंड भी ले सकती है, बहुत सी लकड़ी ऐसी होती है कि 3 से 4 राउंड में भी पक्की हो जाती है, बढ़िया हो जाती है अच्छी, और बहुत सी 5-6 राउंड 7 राउंड तक भी चली जाती है नॉकिंग। तो आपको ही पता होगा, आपका एक्सपीरियंस है, आप बता दोगे तुरंत। तो ये हमारी होगी प्रेसिंग। तो प्रेसिंग के बाद आप लोग देख सकते हो प्रॉपर ये बैट हो गया रेडी। अब इसका जो इसके बाद क्या होगा भैया, इसको पूरी प्रॉपर सेट देंगे और इसका वेट निकाल लगाएगा।
तो जैसे कि बहुत लोगों का वेट के हिसाब से होता है, जैसे मान लो किसी को 1200 ग्राम का वेट चाहिए, किसी को 1300, तो अब उस हिसाब से पहले उसका पूरा शेप होगा और उसके हिसाब से निकाल दे। ये देखो ये प्रेसिंग के बाद ये होता है प्रेसिंग के बाद। तो अब इसका निकालेंगे पहले शेप वगैरह प्रॉपर, ठीक है भैया। अच्छा मतलब उसके गले को सुंदर बना रहे हो। तो अब इसकी हैंडल की फिनिशिंग होगी, अब प्रॉपर एक शेप में आ जाएगा, फिनिशिंग टच मिलेगा उसको। इस बैग का आप देख सकते हैं प्रोफाइल एकदम फुल है, कॉनकेविंग बिल्कुल नहीं है इसमें, और इसका बॉटम भी बहुत थिक है और एज भी अच्छा खासा थिक है। पर उसके बाद में आपको इसका वेट दिखाता हूँ कितना कम आ रहा है। इसका वेट अभी लगभग 1105 ग्राम आ रहा है और इसमें 35 ग्राम अभी ग्रिप का लगेगा, और अभी जब इसकी तैयारी होगी तो और ये 10-15 ग्राम कम आ जाएगा। तो ओवरऑल बैट वुड बी ऑफ अराउंड 1140 ग्राम। So, तो बहुत लाइट वेट बैट है इस प्रोफाइल के लिए। ये हमारे कारीगर हैं भैया, जिनकी बदौलत ये हो पा रहा है सब, इतना हल्का बैट और अच्छा बैट आपको मिल पाएगा। कितना टाइम लग जाता है आपको बैट बनाने में? इसके पूरा टाइम में एक ही साइड में, मतलब अलग अलग से ग्रिप का अलग से तरफ चला गया, तो ये इसमें करीब करीब 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे एक पूरा हैंड मेड बैट बनाने के लिए। ये तो है एक्सपीरियंस, ऐसे बना दिया। पहले तो एक सी लकड़ी से पड़ी थी, कहाँ गया वो? लेट्स सी, एक सेकंड। कहा ये थोड़ी देर पहले ऐसा था, देख रहे हो, और अब देख लो ऐसा हो गया। अब ये प्रॉपर पूरा प्रॉपर बैग बन चुका है थोड़ी देर में, प्रॉपर शेप के साथ। और इसमें एक खासियत और है, बॉटम जो नॉर्मली बैट्स का होता है वो अराउंड 27-28 mm होता है, इसका मोर देन 30 mm है, तो आप शॉट लोगे तो आराम से बहुत दूर जाएगी, वर्ल्ड ट्रैवल करेगी। सो ये हो गया पूरा कंप्लीट बैट, अभी फिलहाल फिनिशिंग रह गया ये वाला। ये सारे अभी अनफिनिश बैट है बट प्रॉपर रेडी है, ठीक है। तो ये इसमें प्रेसिंग वगैरह, हैंडलिंग वगैरह, ये सब कुछ इसमें अभी रेडी हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग रह गया ना भैया। बाकी देखो इतने सारे भैया ने बना डाले बैट, और थोड़ी देर पहले देखा आप लोगों ने इतना, और वैसे भी बैट बनते हुए देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को बैट बनते हुए देखकर कैसे लगा है, ठीक है। बाकी यार भैया आपको तो थैंक यू बहुत बड़ा, इतना बढ़िया बैट बना देते हो आप इतनी जल्दी। सो गाइस पूरा का पूरा प्रोसेस तो आप लोगों ने देख लिया है, तो अब बात करते हैं कि आप लोग बैट को मंगवा कह सकते हो, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो होलसेल हो, उसकी प्राइस की बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो भैया अगर कोई रिटेल में ले रहा है आपसे वेबसाइट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वो वैसे सारा डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट का भी लिंक और व्हाट्सएप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपके प्राइसिंग का कुछ बता दीजिए। हमारे कश्मीर विलो लेदर बैट जो है वो अराउंड 1700 से शुरू होते हैं और वो जाते हैं 3500 रुपये तक, और जो इंग्लिश विलो आपको मिलेगा हमारे पास से वो लगभग 3000 से लेके हमारे पास 40000 तक का बैट है। और आप हमें कस्टमाइज बैट अगर चाहते हैं अपना, कि आपको कुछ थिक हैंडल चाहिए या एक पर्टिकुलर प्रोफाइल या कुछ वेट चाहिए, वो हम सब आपका कस्टमाइज करके दे सकते हैं। और वी आर शिपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी धरती पर आप कहीं भी मंगाएंगे वहाँ आपको आप अपना बैट हमसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और होलसेल प्राइस का? होलसेल प्राइस आपको बेटर मिलेगा, पर उसमें क्वांटिटी रहेगी कुछ की, मिनिमम 10 पीसेस या 20 पीसेस जैसे भी प्रोडक्ट रहेगा। अगर लो वैल्यू का प्रोडक्ट है तो उसमें क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। इंग्लिश में आप 5 बैट से भी हमसे शुरू कर सकते हैं होलसेल में, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी आप लोग अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर रीच है तो आप लोग उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट? बिल्कुल। और जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं वो ऐसे हमसे बहुत लोग जुड़े भी हुए हैं, जो अपनी इनकम के साथ जॉब के साथ इससे कुछ थोड़ा बहुत कमा लेते हैं और अच्छा अपना चला लेते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पे कस्टमाइज बैट भी आप लोग बनवा सकते हो, और मेन बात रहेगी कंपनी का नाम। भैया कंपनी का नाम भी बता दीजिए साथ साथ। हमारा कंपनी का नाम है सील स्पोर्ट्स, जो कि आप लोगों ने मेरी वीडियो से पहले भी देख रखा है ऑलरेडी, और अच्छे खासे व्यूज भी चले गए थे शायद उसमें। सो ये वीडियो भी प्रॉपर उसी पर ही है, यहाँ पे कश्मीरी बोलो इंग्लिश बोलो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, नंबर भी आप लोगों को स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए। बाकी वीडियो एंड करता हूँ, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखना। और नेक्स्ट वीडियो क्रिकेट किट पे आने वाली है, प्रॉपर एक लो बजट का क्रिकेट किट मैं आप लोगों को बना के दूंगा,
मतलब गिव अवे नहीं कर रहा हूँ, उसमें बना के मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इतने में आप लोग परचेज कर सकते हो। कहाँ से परचेज कर सकते हो? अच्छा सस्ता क्रिकेट किट, वो उसी वीडियो में लाइव आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना, क्रिकेट जरूर खेलना। बाय बाय।